स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला है चंदेसर स्थान रेलवे स्टेशन का। चंदेसर स्थान रेलवे स्टेशन पर इस जगह पर जो है पिछले वर्ष गड्ढा खोद के रख दिया गया था और इसी गड्ढा के ऊपर स्टेशन भवन का निर्माण चल रहा है। इस स्टेशन भवन का निर्माण जो है पिछले 2 महीने से चल रहा है और इस भवन में जो है करीब 50% काम हो चुका है स्टेशन बनाने का। यहाँ पे कई तरह का काम चल रहा है, स्टेशन भवन का काम चल रहा है और प्लेटफार्म का काम चल रहा है, प्लेटफार्म 2 का काम चल रहा है। 10 इंच छोर से नहर पर ब्रिज बनाने का काम चल रहा है और ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। इस स्टेशन से उत्तर छोर से और एक सड़क निकल रहा है गधरन से लेकर रुद्रपुर तक। इस स्टेशन के पास सड़क भी है और आने वाले दिनों में वहां पे अंडरपास बनेगा या गुमती बनेगा, अभी पुष्टि नहीं हुआ है। और आने वाले दिनों में यह स्टेशन जो है हॉल्ट बनेगा या स्टेशन बनेगा, अभी पुष्टि नहीं हुआ है। छोटी लाइन की जब ट्रेन चला करता था तो यह स्टेशन जो है बिल्कुल बरहारा रेलवे स्टेशन की तरह दिखता था और अभी यहाँ पे बड़ा स्टेशन भवन का काम चल रहा है। आने वाले दिनों में हम आपको बता देंगे कि हॉल्ट बनेगा या स्टेशन बनेगा। यहाँ पे पहले एक ही प्लेटफार्म था और 2 प्लेटफार्म का काम किया गया है यहाँ पे, और प्लेटफार्म 1 पर और 2 पर मिट्टीकरण का काम जो है कुछ दिन पहले हो गया है और कुछ इस तरह से दिख रहा है। 50% काम हो चुका है इस स्टेशन भवन में। यहाँ पे कई तरह का काम जो है जोरों शोरों से चल रहा है। इस स्टेशन पर जो है 2019 में इस प्लेटफार्म का दीवार बनाया गया था और काम जो है मिट्टीकरण का 2022 में शुरू हुआ और 2022 में स्टेशन भवन का काम और ब्रिज का काम चल रहा है। इसी साल ये सब काम सभी हो रहे हैं यहाँ पे। और पुराना जो छोटी लाइन का स्टेशन भवन है वो काफ़ी मिट्टीकरण से नीचे हो चुका है और यहाँ पे मिट्टीकरण का काम जो है कुछ इतने लेवल में किया गया है। इस भवन को जो है तोड़ दिया जाएगा आने वाले दिनों में। जैसा कि आपको कहा है कि झंझारपुर बाज़ार हॉल्ट पर काम चल रहा है और महरेल पर जोरों शोरों से काम चल रहा है, चंदेसर स्थान पर चल रहा है और वाचस्पति नगर रेलवे स्टेशन पर काम चल रहा है, अंडरपास का काम चल रहा है वहाँ पे। और यहाँ पे भी धुआंधार तरीके से काम चल रहा है, इस पेड़ को हटा दिया जाएगा। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।